हाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 3 बज गए हैं और रश भी यहाँ पे बहुत होता है, इसलिए जगह हमें मिली नहीं तो हम गाड़ी के बाहर ही खड़े होके खा रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे हबीब मलिक एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ अल इजाजा कैफेटेरिया। अल इजाजा एक्चुअली एक है तो नॉर्मल सा कैफेटेरिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो हैं चिकन सैंडविच एंड बीफ सैंडविच। मैं इनका बीफ सैंडविच ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी है नहीं, तो मैंने चिकन ही ऑर्डर किया। ऑर्डर आ गया है हमारा। खैर, और इनकी स्पेशलिटीज़ में इनकी ड्रिंक्स हैं, शवरमा है ऑफ कोर्स, हसन मतर है, मकीना चिकन है, और स्पेशली उसके साथ जो गार्लिक सॉस होती है वो बहुत मज़ेदार होती है। भाई बहुत लेट नाइट हो गया है और रात के 3:30 बज रहे हैं, इसलिए अंधेरा बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है और जो कैफ़े है वो भी बंद हो गया है। ना ऐसा तो नहीं, मुझे बगैर हॉट सॉस वाला दे दिया। अबे यार मिक्स हो गए ये। नहीं नहीं मेरा तो हॉट सॉस है। एक स्ट्रो ला दोगे यार? स्ट्रो यस। उसके अंदर चिकन की फीलिंग है और हॉट सॉस है बस, और ऊपर से सैंडविच को ग्रिल किया हुआ है। सिंपल सा ही होता है देख, लेकिन यहाँ पे बहुत फेमस है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे जैसे बंदे के लिए ये मिनिमम 2। कितने का है ये? 6 दिरहम का। यार सही है प्राइस तो उसकी। हाँ सोचना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया। ज्यादा लोग भी हैं। कचरा पकड़ा हुआ है, फेंकना नहीं चाहिए मुझे। ये ऐसी चीज है 4 बंदा खा सकता है। ये ड्रिंक भी है, ड्रिंक 12-14 दिरहम की है। ड्रिंक महंगी होती है और ड्रिंक्स इनकी बहुत स्पेशल होती हैं। अलग अलग नाम होते हैं, सुल्तान ड्रिंक के नाम से है, इसका नाम बिना तर्जमान है। तो ये लोग ना अपनी ड्रिंक्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नहीं बताते, क्यों समझते हैं वो इनकी स्पेशलिटी है। तो इसके अंदर जो टेस्ट आ रहा है वो इस टाइप का है कि जैसे स्ट्रॉबेरी फील हो रहा है, मैंगो फील हो रहा है, और कोई एक और चीज़ फील हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही। अभी एक सैंडविच मेरा बाकी है वैसे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज के लिए टाटा, बाय बाय।